हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज गरिमा केयर एंड शेयर। मैं हूँ गरिमा और आज मैं आपसे कुछ प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्लीपिंग पोजीशंस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइमिंग में जो सोने का जो तरीका होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होती है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कौन से साइड किस तरीके की पोजीशंस आपके लिए सेफ होने वाली है और आपको प्रॉपरली नींद आएंगी और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं। तो जो टॉपिक है उसे मैंने डिवाइड किया हुआ है ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें होते हैं पहले महीने से लेकर थर्ड मंथ तक का, तीसरे महीने तक का। सो इस बीच का जो टाइमिंग होता है वो कोई भी पोजीशंस में सोने के लिए सेफ होता है। इसमें आप सीधे सो सकते हो, आप लेफ्ट साइड में सो सकते हो करवट लेके, राइट साइड में सो सकते हो, और अगर आप उल्टा, अगर आपको हैबिट है उल्टा सोने की, तो वो पोजीशंस भी आपके लिए सेफ है। क्योंकि इस पोजीशन में, इस टाइमिंग में क्या होता है फर्स्ट थ्री मंथ्स में, कि जो आपका यूट्रस होता है, जो आपका बेबी होता है, वो स्मॉल होता है, जो फीटस होता है, उसके कारण बॉडी में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होता है और जो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं वो थोड़े स्लो रहते हैं, लेकिन आपके बॉडी के पोजीशंस के अकॉर्डिंगली वो उसे हैम्पर नहीं करेगा। तो इस टाइमिंग में आप कोई भी पोजीशंस में सो सकते हो, आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 3 to 5 months के अकॉर्डिंगली, विच इज़ लाइक आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसे हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं। सो इस टाइम के पोजीशंस में आपको 3 to 5 months में उल्टा सोने की जिसको भी हैबिट है उसे उस पोजीशन को अवॉइड करना है। इस टाइमिंग में उल्टा सोना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आपके बॉडी में यूट्रस का जो ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे मंथ्स एक्सीड होने लगते हैं वैसे वैसे आपकी बेबी का वेट बढ़ना शुरू होता है और उसकी ग्रोथ जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है अगर आप उल्टे पोजीशन में सो सकते हो। उसके कारण उसकी ग्रोथ के प्रॉब्लम आएंगी, डेवलपमेंट में यूट्रस में कंप्रेशन हो जाएगा, तो जिसके कारण आपको आगे जाके कोई चांसेस हो सकते हैं। सो इस टाइमिंग में आपको राइट साइड में करवट लेके सोना या लेफ्ट साइड में करवट लेके सोना आपके लिए आइडियल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अभी 5 months से 8 months तक का, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टाइमिंग होता है बेबी डेवलपमेंट के लिए। सो इस टाइमिंग में क्या होता है कि बेबी का वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आपका फीटस बढ़ने लग जाता है, यूट्रस का साइज इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण बॉडी के जो पार्ट्स है वो अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा कंप्रेशन रहता है। इसी टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं, जिसके कारण आपको रिगर्जिटेशन होता है, मतलब जो भी चीज़ आप खाते हो तो वो आपको वापस आने लग जाता है मुंह में। सो ड्यूरिंग दिस टाइम आपको प्रोन पोजीशंस, मतलब जो उल्टी वाली पोजीशन होती है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसे आपको टोटली अवॉइड करना है। सेकेंड, इसी टाइमिंग में आपको सुपाइन लाइंग जो होती है, मतलब सीधा सोना, वो भी अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है कि आपके बॉडी में जो एओटा होता है, एओटा जो होता है वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, हर जगह पे उसका ब्लड सप्लाई होता है। अगर उसका कंप्रेशन हो जाता है, वो क्योंकि हमारे बॉडी में सेंटर में होता है, तो जब आप सीधा सोते हो तो उस पर कंप्रेशन आने लगता है यूट्रस के वेट के हिसाब से। सो वो आपके बॉडी के ब्लड फ्लो को हैम्पर कर सकता है, जिसके कारण आपको स्वेलिंग हो सकती है। सो इस टाइमिंग में आपको ये वाली पोजीशन को टोटली अवॉइड करना है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम, क्रूशियल टाइमिंग में आपको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में सोना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करने वाले हैं, जो कि है 8 months ऑनवर्ड। सो इस टाइमिंग में आपको प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करना है, और राइट साइड की पोजीशन भी आपके लिए आइडियल नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि बॉडी के जो सारे पार्ट्स होते हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, एओटा कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। सो ऑलवेज लेफ्ट साइड इज ऑलवेज बेटर फॉर यू। सो आई विल गो फॉर, अगर आप स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड की हैबिट डालेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेफ्ट साइड में सोना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जो वेसल्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते। लेफ्ट साइड में आपका हार्ट भी होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता है, वेसल्स ओपन रहती है और आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपरली रहता है। सो ये था बॉडी पोजिशनिंग के बारे में। प्लीज़ बताइए आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा है। अगर आपको मेरे टॉपिक लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ गरिमास केयर एंड शेयर। टेक केयर, सी यू सून।